इटावा में बच्ची और महिला पर दबंगों का कहर। दबंगों ने घर में घुसकर बच्ची को पीटा। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस नहीं कर रही है कार्रवाई। न्याय की गुहार के लिए दर दर भटक रही है महिला। नमस्कार, मैं खुर्शीद खान राजू और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। इटावा में भरथना कोतवाली के तिलियानी गांव में दबंगों का महिलाओं और बच्चियों पर अत्याचार का कहर बढ़ता जा रहा है, वो भी तब जब केंद्र सरकार की कई योजनाएं केवल महिलाओं की सुरक्षा के लिए चल रही हैं। मोदी सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में कई कदम उठाए हैं, लेकिन फिर भी ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जो महिलाओं के सुरक्षा के मुद्दे पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देते हैं। ये वीडियो इटावा में भरथना कोतवाली के तिलियानी गांव का है, जहां दबंगों ने एक नाबालिग बच्ची को घर में घुसकर बाल पकड़कर मारा, जिसकी गांव वालों की मदद से बच्ची की जान बचाई गई, लेकिन दबंग अब भी परिवार को धमकियां दे रहे हैं। हम खेत पे गए थे, उन लोगों ने मारपीट की और बहुत मेरे कपड़े फाड़ दिए हैं सारे, और वो धमकी देते हैं आपको जान से मार देंगे। चारा लेने गए थे खेत पे, पीड़ित परिवार ने नजदीकी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन अब तक पुलिस ने शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की, जिसकी वजह से पीड़िता और उसकी मां को न्याय के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। बाद में हमको बिटिया को मारो, बिटिया को मार के कपड़े लगते हैं मेरे फारे, बिटिया को फारे मारो, गिरा गिरा के मारो, बिटिया मार कर कोई अपनी कार्रवाई करी, कोई मेरी सुनाई नहीं भाई। अभी मार फूट करी उनके हुआ मेरा वो चाहिए मन, हमने शिकायत करी आकर, हमने सामने चौकी से शिकायत करी, कोई सुनाई नहीं, दावा करी हानो बतना। अच्छा, हाँ बर्तना में करी, बर्तना में नहीं कोई माई सुनाई भाई, फिर भी हम इटावा बच के आए, इटावा में फिर हमने सुनाई करी आए थे। अच्छा, कहीं आपकी सुनाई नहीं हो रही है? कहीं मुझसे सुनाई नहीं है, इटावा में नहीं सुनाई भाई, फिर भी दिया मेरी कुमार। दबंगों का कहर योगी सरकार में भी महिलाओं और बच्चियों पर हो रहा है। इटावा जिले में नाबालिग किशोरी और उसकी मां की कुछ दबंगों ने जमकर पिटाई की थी, जिसमें से एक मामले का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लेकिन यहां सवाल ये उठता है कि इतना सब कुछ सामने होने के बाद भी पुलिस कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? क्यों पीड़ितों की शिकायत पर अब तक पुलिस कोई एक्शन नहीं ले पा रही है? यह सब पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। इटावा से यह खबर हमारे संवाददाता आनंद पांडे ने कवर की है। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस खबर को आप YouTube पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, और Facebook के जरिए जुड़े हैं तो पेज को लाइक करके फॉलो करना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन, और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।